हाँ भाई शुरू करें। हाँ सर, कैसे हो सर? बढ़िया। अच्छे हो? हाँ सर। अपना कौन सा चैप्टर है? सोलवा। क्या नाम है? इलेक्ट्रॉनिकी। पक्का? हाँ सर। इलेक्ट्रो निकी। निकी क्यों बोल रहे हो? इलेक्ट्रो निक्स। क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ जी, तो इसमें सबसे पहले पढ़ना है ठोसों में ऊर्जा बैंड। क्या पढ़ेंगे भैया? ठोसों में ऊर्जा बैंड। क्या है ठोसों में ऊर्जा बैंड के अंदर क्या पढ़ा था? मूल ऊर्जा स्तर। क्या? ठोसों में ऊर्जा बैंड। अब अपने को सबसे पहले इसके लिए देखना पड़ेगा परमाणु। क्या देखना पड़ेगा भैया? परमाणु। परमाणु में बीचों बीच कौन होता है? नाभिक। क्या होते हैं उसमें? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वेरी गुड। अब इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाएंगे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। जैसे पहले कक्ष में कितने होते हैं? दो। आगे कितने? आठ। इलेक्ट्रॉन किस फॉर्मूले के? 2n² इस रूप में होंगे। अब यहाँ से क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर के बाहर, सबसे पहले इस नाभिक के नजदीक जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यहाँ नाभिक के नजदीक जो कक्ष है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनके ऊपर नाभिक का जो आकर्षण है वो क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर हटते जाएंगे, दूर कोशों में चलते जाएंगे, वैसे वैसे नाभिक का जो आकर्षण है इलेक्ट्रॉनों के प्रति क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। बोलो हाँ या ना? पक्का? चलो फिर आगे। अब देखो इसका अपन ने पहले भी बताया था सिंपल सा कि जैसे तुम लोग वल्लभ नगर में बैठे हो, घर वालों के ज्यादा वोल्टेज हो कि नहीं हो? तुम चले गए कहाँ? उदयपुर। घर वालों का क्या हो गया? आकर्षण कम हो गया। तुम चले गए कोटा तैयारी करने, घर वालों को भूल गए रे? अरे भूल जाते हैं, बहुत सारे भूल जाते हैं। आकर्षण क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यहाँ बिल्कुल ही कम हो गया। और ये जो सबसे कम आकर्षण वाला कोष है, सबसे बाहर वाला कोष है, उसी को क्या बोला? संयोजी कोष। अरे बोल दो टाबरियों, क्या बोला? संयोजी कोष। वेरी गुड। क्या बोला? संयोजी कोष। अब क्या होगा, यहाँ इसके बाहर कई कोष ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कोई आकर्षण नहीं होता है। नाभिक के जो यहाँ से नाभिक का होगा उन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर कोई आकर्षण अब नहीं होगा, आकर्षण बिल्कुल नगण्य हो गया। तो संयोजी कोष के बाद में कौन से आते हैं? चालन कोष। कौन सा आएगा? चालन कोष। जिसकी वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गति करेंगे उसकी वजह से धारा का प्रवाह होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये तो बात करते हैं एक परमाणु की। क्या ठोसों में एक ही परमाणु होता है? नहीं, बहुत सारे होते हैं। मान लो अगर इसके पास दूसरा परमाणु, तो दूसरे परमाणु का भी तो क्या है रे? नाभिक के बाहर क्या है? कक्षाएं हैं। इन कक्षाओं में क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन गति करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन गति करेंगे। बोलो हाँ या ना? हाँ। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ कुछ बल लगेंगे, कौन कौन से बल लगेंगे? इसका नाभिक है, अरे इसका नाभिक है और इसका भी नाभिक है। नाभिक को कैपिटल एन से लिख देते हैं। दोनों के नाभिक आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। इसका नाभिक इसके नाभिक को क्या करेगा? प्रतिकर्षित। लेकिन टावरियों, इसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? आकर्षित। क्या करेगा? आकर्षित। इसका नाभिक भी इसके इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? आकर्षित। तो यहाँ पे प्रतिकर्षण बल भी लग रहा है, इसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉनों पे आकर्षण बल भी लगा, इसका नाभिक इन इलेक्ट्रॉनों पे आकर्षण बल, और इन इलेक्ट्रॉनों पे आपस में क्या लगेगा? प्रतिकर्षण। यानी यहाँ पे आकर्षण और प्रतिकर्षण बल आपस में लगते हैं। इनके कारण होती है, इनके मध्य क्या, जैसे प्रोटॉन, सॉरी नाभिक क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा, और इसके नाभिक इन इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य आपस में क्या लगेगा? प्रतिकर्षण लगेगा। आपस में इन सब बलों के कारण क्या होगी? अन्योन्य क्रियाएं। क्या होगी? अन्योन्य क्रियाएं। अन्योन्य क्रियाएं। और इन अन्योन्य क्रियाओं के कारण क्या होगा? ये जो यहाँ पे ऊर्जा स्तर बन रहे हैं, ये क्या है? इनके कक्षा है जो ऊर्जा स्तर, ये प्रत्येक कक्षा एक ऊर्जा स्तर को बता रही है। अब क्या होता है, आपस में ये जो अन्योन्य क्रियाएं होगी, इन अन्योन्य क्रियाओं के कारण ये जो ऊर्जा स्तर, ये जो कक्षाएं है, ये अन्य ऊर्जा स्तरों में क्या हो जाती है? विभक्त हो जाती है। क्या हो जाती है? विभक्त। किस तरीके से? मान लीजिए ये एक ऊर्जा स्तर है, ये क्या है? एक ऊर्जा स्तर है, ये दो ऊर्जा स्तरों में बट गया। तो किस तरीके से बटता है? एक ऊर्जा स्तर तो हो जाता है इससे उच्च ऊर्जा का, और एक हो जाता है इससे निम्न ऊर्जा का। ये तो मान लो हो गया उच्च ऊर्जा स्तर, और ये हो गया इसका निम्न ऊर्जा स्तर।
ठीक है। अब इस तरीके से यहां पर क्या होंगे, कई सारे परमाणु, क्योंकि ठोसों के अंदर क्या बनते हैं, जालक बनते हैं। क्या बनते हैं? जालक। जालक में क्या होते हैं, कई सारे परमाणु इकट्ठे होते हैं। तो यहां पे क्या होंगे, इस तरीके से कई सारे इसके अंदर बहुत सारे ऊर्जा स्तर बन जाएंगे। क्या होंगे? बहुत सारे ऊर्जा स्तर बन जाएंगे। और इन कई सारे ऊर्जा स्तरों को, इनको ही अपन क्या बोल देंगे, ऊर्जा बोल देंगे। क्या बोल देंगे टाबरिया, ऊर्जा क्या बोल देंगे, ऊर्जा नींद तो नहीं आ रही, नहीं पक्का, ऊर्जा बैंड बोल देंगे। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए, ये जो ऊर्जा बैंड है, अगर ये बन रहे हैं संयोजी कोष में, किसमें बन रहे हैं, संयोजी कोष में, तो इन ऊर्जा बैंडों को क्या बोल देंगे, संयोजी ऊर्जा बैंड। क्या बोल देंगे, संयोजी ऊर्जा बैंड। और अगर यही ऊर्जा बैंड बन रहे हैं किसके अंदर, चालन कोष के अंदर, तो क्या बोल देंगे, चालन ऊर्जा बैंड, चालन ऊर्जा बैंड पक्का। तो ऊर्जा बैंड कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के, कौन कौन से, संयोजी ऊर्जा बैंड और चालन ऊर्जा बैंड। ऐसे नर्वस काय हो रहे हैं, मास्टर को डरा रहे हो तुम तो, क्या हंसते रहो मुस्कुराते रहो, क्या कुछ लेके नहीं जाना भाई साहब, सब मुंबई है ठीक है। अरे इसका मतलब ये नहीं है घर जाके घर वाले देख रहे हैं, कर रहे देखेंगे पागल हो गए, बेवजह भी नहीं मुस्कुराना। हाँ भाई चलिए, तो अपने को पता चल गया ऊर्जा बैंड कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, कौन कौन से, संयोजी ऊर्जा बैंड और चालन ऊर्जा बैंड पक्का। हाँ तो मुझे बता दो, ये नीचे की तरफ बनाऊंगा ये कौन सा, संयोजी ऊर्जा बैंड, संयोजी बोल दो इसको। हाँ पक्का। इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेंगे, और चालन क्या होता है, खाली। अब टाबरिया इनके बीच में आ जाता है एक गैप, उस गैप का नाम बता दो तुम तो, क्या होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल। वेरी गुड, वर्जित ऊर्जा अंतराल, ऊर्जा अंतराल जो किसके मध्य होता है, संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य जो एनर्जी गैप बनता है उसे क्या कहते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल। ठीक है, तो यहाँ पे अब संयोजी बैंड और चालन बैंड इन दोनों के मध्य जो ऊर्जा अंतराल, उसका नाम आ गया वर्जित ऊर्जा अंतराल। अब यहाँ पर अपन पढ़ेंगे ठोसों का वर्गीकरण, क्या देखेंगे, ठोसों का वर्गीकरण। क्या पढ़ा था ठोसों के वर्गीकरण में, सबसे पहला किस तरीके से वर्गीकृत किया था ठोसों को, चालकता के आधार पर किया था, किस आधार पर किया था, चालकता के आधार पर किया था। तो चालकता के आधार पर वर्गीकरण में ठोसों को कितने प्रकार में बांटा गया, तीन। सबसे पहले कुचालक, क्या बोला रे, कुचालक। दूसरा नंबर चालक, तीसरा नंबर अर्धचालक पक्का, अर्ध चालक। चालक तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, कुचालक की। कुचालक के लिए सबसे पहले क्या आएगी रे, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, रोधकता। दूसरी चीज इनके पास क्या आएगी, इनकी चालकता, क्या देखेंगे, चालकता। बताओ कुचालक नाम से स्पष्ट है, कु मतलब चारा का चालक, नहीं मतलब बुरा, हिंदी में पढ़ते हो ना, कु और सु, जैसे सुमित अच्छी हो जिसकी, मीर यानी अच्छा, मित्र ठीक है, ऐसे ही कु मतलब है बुरा, कुपात्र सुपात्र, ऐसे ही कु चालक, चालक मतलब है धारा का प्रवाह करने वाला, कु यानी बुरा, और बुरा चालक मतलब है चालक धारा का प्रवाह नहीं करेंगे। तो यहाँ से प्रतिरोधकता इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी, और ज्यादा में कितनी होगी रे, 10 की पावर 12 से 10 की पावर 18 ओम इनटू मीटर। क्लियर है, इस ओम को अपन ऐसे भी तो लिखते हैं रे, हाँ या ना, कंफ्यूज नहीं होना है ठीक है। हाँ जी, फिर है चालकता, तो चालकता इसकी क्या हो जाती है रे, उल्टी हो जाती है, चालकता क्या हो जाएगी, 10 की पावर माइनस 18 से 10 की पावर माइनस 12 मात्र, क्या हो जाएगा, ये ओम था OHM, तो यह क्या हो जाएगा, महो 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 पर मीटर, क्या हो जाएगा, महो पर मीटर।
क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए बात करेंगे किसकी, चालकों की। किसकी बात करेंगे, चालकों की। तो चालकों की प्रतिरोधकता तो क्या होगी, कम, और चालकों की चालकता क्या होगी, ज्यादा। तो यहाँ पे चालकों की चालकता ज्यादा होगी, तो पहले चालकता लिख दें क्या, चालकता इनकी होगी 10^6 से 10^8 पर मीटर। तो इनकी प्रतिरोधकता होती है कम, और वो कम कितनी होगी, 10^-8 से 10^-6 ओम इनटू मीटर। शाबाश, ओम इनटू मीटर। बहुत ही प्यारे प्यारे टावर ये वल्लभ नगर के कोने कोने से एकत्र करके लाए गए। आ जाइए आगे, अर्ध चालक के लिए अपन ने चालकता देखी। चालकता क्या रहेगी, चालक और कुचालक के मध्य, और प्रतिरोधकता भी क्या रहेगी, बीच की। अर्ध चालक वो है रे बीच वाले, कौन है, बीच वाले। और अर्ध चालक जो है इन्हीं के ऊपर अपना पूरा चैप्टर है। अरे आगे अर्ध चालक पे ही तो है, नेज अर्ध चालक, शुद्ध अर्ध चालक सारा पढ़ तो चुके हो, ठीक है। तो यहाँ से अपन देखेंगे तो इनकी चालकता तो कितनी रहेगी, सबसे पहले प्रतिरोधकता ले लें, तो प्रतिरोधकता इनकी कितनी है, 10^-2 ले लेते हैं अपन, कितनी, 2 - 2 से 10^6 तक याद रख लो। और मात्रक क्या रहेगा, ओम इनटू मीटर। और इनकी चालकता क्या हो जाएगी, 10^-6 से ये उल्टा होगा, -6 से 10^2 प्लस में दो महो पर मीटर। क्लियर है। तो इस तरीके से अपन ने ठोसों को कितने भागों में बांट दिया रे, तीन भागों में। किस आधार पर, चालकता के आधार पर। सबसे पहले कौन, कुचालक। कुचालक की प्रतिरोधकता कितनी, 10^12 से 10^18 ओम इनटू मीटर, ठीक है। इसके बाद इनकी चालकता इनका जस्ट उल्टा, मात्र क्या हो जाएगा, ओम इनटू मीटर था तो इसका क्या हो जाएगा, महो पर मीटर, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे अब चालकों की। किसकी बात करेंगे, चालकों की। तो चालकों के लिए क्या होगी, प्रतिरोधकता तो होगी कम, और चालकता क्या होगी, ज्यादा। चालकता कितनी होगी, 10^6 से 10^8 महो पर मीटर। दोनों में से मात्र केवल एक का याद रखना है, मात्र केवल एक का याद, चाहे तो ये याद रख लो चाहे ये याद रख लो, दोनों अगर एक साथ याद रखोगे तो बाद में ये तो याद रह जाएगा कि एक तो ओम इनटू मीटर था और दूसरा महो पर मीटर था, पर कौन सा किस में था ये नहीं याद रहेगा, ठीक है। इसलिए एक याद रखो, सिर्फ एक का याद रखो, चाहे तो प्रतिरोधकता याद रख लो, चाहो तो चालकता याद रख लो, दूसरा ये रह जाएगा कि उसका क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। क्लियर है ये बात। तो यहाँ से अपने को केवल और केवल क्या करना है, एक या तो ये याद रख लो चाहे ये याद रख लो, दूसरा ऐसे याद रखना इसका क्या है, उल्टा। दोनों साथ में याद रखोगे तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, सब क्या हो जाएगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा रटा भरियो। चले आगे, अब इनका पढ़ते हैं अपन ठोसों का वर्गीकरण किस आधार पर है, ऊर्जा बैंड के आधार पर। और ऊर्जा बैंड के आधार पर भी वही तीन प्रकार, कौन कौन से तीन प्रकार, कुचालक। सबसे पहले कौन, कुचालक। फिर कौन, चालक। फिर कौन, अर्धचालक। पक्का, हाँ। पक्का सही बोल रहे हो क्या, हाँ। मान लो तुम्हारी बात, मान ली। आ जाओ टावरियों, सबसे पहले पढ़ते हैं कौन, कुचालक। तो कुचालक देखिए टावरियों, सबसे पहले कुचालक किस आधार पर पढ़ रहे हैं अपन इनको, ऊर्जा बैंडों के आधार पर। और ऊर्जा बैंड अभी अभी पढ़े थे कितने प्रकार के, दो। सबसे पहले कौन, संयोजी बैंड। पक्का, हाँ। शादी वाला बैंड नहीं है रे, ठीक है। कौन सा बैंड है, ऊर्जा बैंड है। अरे बोलो, हाँ। कौन सा बैंड, ऊर्जा बैंड। पक्का, हाँ। ये हो जाएगा चालन ऊर्जा बैंड। बीच में क्या होता है, वर्धित ऊर्जा अंतराल। बीच में रोकने वाले होते हैं, और रोकने वाला कौन है, वर्धित ऊर्जा अंतराल। और ये वर्धित ऊर्जा अंतराल कुचालक के लिए बात करने जाऊंगा तो बताओ वर्धित ऊर्जा अंतराल कितना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक नॉर्मल रेंज बोलते हैं इनकी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
सात से ज्यादा होगा तो भी कुचालक ही होगा, ऐसा नहीं है सात से ज्यादा क्या होगा, लेकिन नॉर्मली इनकी रेंज क्या बोलते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और डेल ईजी का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा तो वो किसके अंदर आएंगे, कुचालक के अंदर आएंगे। अब इनके अंदर क्या होता है कि सामान्य अवस्था के अंदर, सामान्य अवस्था के अंदर संयोजी बैंड में क्या रहते हैं रे, इलेक्ट्रॉन रहते हैं, क्या रहते हैं टबरियों, इलेक्ट्रॉन। संयोजी बैंड के अंदर क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से पलायन करके, क्या करके, पलायन करके जब इसके अंदर पहुंच जाएंगे चालन में, तब ऊर्जा क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, धारा का प्रवाह होने लगेगा। यहाँ पे क्या होता है, कुचालकों में सामान्य ताप पर ये क्या रहेंगे, संयोजी बैंड में रहेंगे। इनके मध्य ऊर्जा अंतराल इतना ज्यादा होता है कि आप ताप बढ़ाएंगे तो भी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं पहुंच पाएंगे, अपना पूरा जोर लगा देंगे, अपना पूरा जोर लगा देंगे, लेकिन चालन बैंड में नहीं जा पाएंगे। और चालन बैंड में जब नहीं जा पाएंगे तो क्या धारा प्रवाह हो पाएगी, नहीं। इसीलिए इनको क्या कहा है, पक्का। ताप बढ़ाने पर कुचालकों की प्रतिरोधकता क्या होती है, कम होती है, यानी चालकता बढ़ती है, बढ़ेगी बहुत ही ज्यादा ताप पर, बहुत ज्यादा ताप पर, या बहुत ज्यादा वोल्टता बढ़ाने पर, जो कि पॉसिबल है नहीं है, और पॉसिबल होगी तो भी उसमें खर्चा बहुत ही ज्यादा होगा। अब देखिए चालक कौन रहे, चालक। तो चालक में अगर अपन बात करें तो यहाँ नीचे कौन, अरे बोल लो, संयोजी ऊर्जा बैंड, संयोजी बैंड। ऊपर कौन, चालन बैंड। बीच में गैप कितना, जीरो। तो फिर इतना गैप काय को बनाया रहे, मास्टर बावड़ा हो गया क्या है, दोनों के बीच गैप क्या रहेगा, बहुत कम, या तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये अति व्यापित, क्या कर देंगे, अति व्यापित, या तो एक दूसरे को अति व्यापित कर देंगे, या इनके मध्य गैप क्या रहेगा, इसको अपन ऐसे बना दें क्या, ताकि पता रहे ये भरा हुआ है ये खाली है। तो ये कौन है, संयोजी है रे, कौन है भैया, संयोजी, संयोजी है, ये संयोजी है, कौन है, संयोजी बैंड है टाबरियों। या तो ये जो डेल इजी, कौन रहे, डेल इजी, ये जो डेल इजी है लगभग लगभग क्या है, जीरो, या यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक दूसरे में अति व्यापित हो जाएंगे रे, एक दूसरे पे क्या होता जाएंगे रे, ओवरलैप हो जाएंगे रे एक दूसरे के अंदर, कौन रहे, संयोजी बैंड और रहे चालन बैंड। बोलो हाँ या ना, पक्का बात को समझ पा रहे हो कि नहीं, समझ पा रहे, चलो बहुत ही बढ़िया। देखिए ये जो चालन बैंड है यहाँ पर वर्जित ऊर्जा अंतराल तो खत्म ही हो गया रे, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है, संयोजी बैंड में कौन बैठे है रे, इलेक्ट्रॉन। बताओ ये जो संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन बैठे हैं इनको कोई जोर आया क्या रे, नहीं। ये सामान्य ताप पर ही इधर चले जाएंगे रे, सामान्य ताप पर ही कहाँ चले जाएंगे, चले जाएंगे सामान्य ताप, ये तो गए हुए ही है रे, अतिव्यापन हो रखा है आधे इधर उधर, बहुत ही बिल्कुल कोई जोर नहीं आ रहा है इनको। तो यहाँ पे बताओ धारा का क्या होगा, प्रवाह। और धारा प्रवाह कब होता है, संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे धारा प्रवाह नहीं होगा, जब चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तब क्या होगा, धारा का प्रवाह होगा। यानी इसके लिए धारा प्रवाह के लिए जिम्मेदार कौन बनते हैं, चालन बैंड में गतिशील जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या बनते हैं, धारा प्रवाह का कारण बनते हैं। अब कौन, अर्धचालक टाबरियों, कौन, अर्धचालक। अरे तीसरा और आखिरी कौन, अर्धचालक, तुम्हारा प्यारा अर्धचालक। ये नीचे कौन सा बैंड, संयोजी बैंड, ऊपर कौन सा बैंड, चालन बैंड, दोनों के बीच में क्या, वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग लगभग कितना रे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और नॉर्मली बोलेंगे तो चालन बैंड हो रहे, ये जो इधर चालकों के लिए हो रहे, कुचालकों के लिए जो वर्जित ऊर्जा अंतराल बनता है उनके मध्य का रहता है, उनके मध्य का रहता है लगभग कितना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे कम, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल सामान्य अवस्था में या सामान्य ताप पर, कमरे के ताप पर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस में बैठे रहते हैं, संयोजी कोष में।
या संयोजी ऊर्जा बैंड में। लेकिन जैसे ही ताप बढ़ाया जाता है ये इलेक्ट्रॉन भाग के कहाँ चले जाते हैं रे? चालन बैंड में। कहाँ चले जाते हैं रे टापरियों? चालन बैंड में। और आपको पता है चालन बैंड में जाते ही क्या हो जाएगा? धारा का प्रभाव। धारा का प्रभाव हो जाएगा, क्या होने लगेगा? धारा का प्रभाव। यानी ये सामान्य ताप पर तो क्या होते हैं? कुचालक व्यवहार करते। लेकिन जैसे ही क्या किया जाता है? ताप दिया जाता है। ताप बढ़ाया जाता है। क्या बढ़ाया जाता है? ताप। कहाँ चले जाएंगे? चालक बैंड में। क्या बन जाएंगे? चालक बन जाएंगे। पहले क्या थे? कुचालक। बाद में क्या हो गए? चालक। यानी दोनों का गुण आया कि नहीं आया? इसीलिए इनको बीच का बोल दिया। इसीलिए इनको क्या बोल दिया? पक्का? अजी मानते कि नहीं मानते? पहचानते कि नहीं पहचानते? पहचानते। तो आ जाइए फिर से अर्धचालक की एक खास बात बता देता हूँ रे। अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल रखना अपने का चार जनों का। किनका? चार जनों का। पहला अर्धचालक जिसका वर्जित ऊर्जा अंतराल सिलिकॉन। सिलिकॉन का वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है? इलेक्ट्रॉन। अरे पहले मास्टर की तो सुन लो रे। 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसका? सिलिकॉन का। सिलिकॉन। सिलिकॉन कौन? फिर कौन है रे? जर्मेनियम। 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों के दोनों कैसे अर्धचालक है? नेज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक होते हैं। इसके अलावा और कौन है अर्धचालक जिनका याद रखना है? इंडियम, Sb, एंटीमोनॉइड। इंडियम, एंटीमोनॉइड। और एक और कौन है? गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड। इसका कितना? 0.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका कितना? 0.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रह जाएंगे चारों के चारों, याद रखने हैं। एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा एक नंबर का कि इसका वर्जित ऊर्जा अंतराल बताइए, इसका बताइए, या इनमें से किसी का पूछ लेगा वर्जित ऊर्जा अंतराल बताइए। बता दोगे? अरे बोलो हाँ या ना। पक्का? मजा आया? आया। कि नहीं आया? आया। सच में? हाँ सर। तो एक बार फिर से बता दूं फटाफट इनको। हाँ सर। चालक, कुचालक और अर्धचालक। सबसे पहले कुचालक के लिए बोला अपन ने कि संयोजी बैंड और चालन बैंड में वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रेंज बोलेंगे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा। किसके लिए? कुचालकों के लिए। सामान्य ताप पर संयोजी संयोजी बैंड में रहते इलेक्ट्रॉन, आप ताप बढ़ा दो कितने जोर लगा लो, इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं जाएंगे। और ज्यादा जोर लगाना भी नहीं है, मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है? हाँ जी। फिर इधर चलेंगे किसमें? चालक में। चालक में क्या है? संयोजी बैंड और चालन बैंड के अंदर बीच में जो ऊर्जा का अंतराल है दोनों के बीच, उसे क्या कहते हैं? वर्जित ऊर्जा अंतराल। और वो यहाँ कितना होता है? लगभग जीरो। लगभग जीरो या नगण्य, यानी बहुत ही कम या अतिव्यापित रहते हैं, यानी कोई वर्जित ऊर्जा अंतराल है ही नहीं। एक दूसरे पे दोनों बैंड क्या हो गए? अतिव्यापित हो गए। तो इसके इलेक्ट्रॉन बोलो सामान्य ताप पर ही चालन बैंड में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। यानी ये सामान्य ताप पर भी क्या करेंगे? धारा प्रवाह करेंगे। यानी क्या रहेंगे? चालक ही करें। ठीक है, चलिए आगे। अर्धचालक, अर्धचालक दोनों के बीच का, यानी वहां पर जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या रहेगा? अरे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास रहेगा, ज्यादा कम हो सकता है थोड़ा बहुत। देखिए सिलिकॉन के लिए एक से ज्यादा है, जर्मेनियम के लिए एक से कम है, इनके लिए भी एक से कम है, तो एक के आसपास रहेगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो लगभग एक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन के लिए अपन ने बोला कितना? 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जर्मेनियम के लिए कितना? 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गैलियम आर्सेनाइड के लिए कितना? 0.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इंडियम एंटीमोनाइड के लिए कितना? 0.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? अब यहाँ सिंपल सी बात की, यहाँ पर सामान्य ताप के ऊपर संयोजी कोष में ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं या संयोजी बैंड में ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन थोड़ा ही ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन भाग के कहाँ चले जाते रहे? चालन बैंड। और आपको पता है चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से गति करते हैं, और इलेक्ट्रॉनों की मुक्त रूप से चालन बैंड में होने वाली गति के कारण ही किसका प्रवाह होता है? और धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत दिशा में होता है। धारा का प्रवाह किधर होता है?
इलेक्ट्रॉनों के गति के विपरीत दिशा में। अरे बोलो हाँ या ना। हाँ। मजा आया। हाँ। करे समाप्त। हाँ। नहीं सर, बस कर दूँ।